ग्वालियर में इको ग्रीन सफाई कर्मियों और फाइनेंस कंपनी रिकवरी एजेंटों के बीच विवाद का मामला सामने आया है। दरअसल नगर निगम के लिए डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करने वाले इको ग्रीन कर्मचारी टिप्पर वाहन के जरिए काम में जुटे हुए थे। इसी दौरान मलगड़ा चौराहे के पास स्थित फाइनेंस कंपनी के दो एजेंट पहुंचे और उन्होंने फाइनेंस वाहन को कब्जे में लेने की कोशिश की। जब ड्राइवर ने इसका विरोध किया तो दोनों ही रिकवरी एजेंट ने ड्राइवर के साथ मारपीट की और वाहन को ले गए। आपको बता दें कि यह विवाद नहीं रुका, सफाई कर्मचारियों ने दोनों ड्राइवर को पकड़ लिया, फिर इनके बीच मारपीट हुई। वहीं दोनों पक्षों की तरफ से पुलिस में इस मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। ग्वालियर से योगेश बिसारिया की रिपोर्ट। हजीरा थाने क्षेत्र में जो है नगर निगम की जो कचरा वाहन है डोर टू डोर उठाते हैं, उनके कर्मचारियों के साथ कुछ लोगों द्वारा मारपीट की गई है, तो नगर निगम के अधिकारियों द्वारा इस संबंध में हजीरा थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराने गए थे। इसी बीच फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी आए, उनका कहना भी ये है कि इन लोगों ने हमारे साथ मारपीट करी है। तो दोनों पक्षों की बात सुनकर और वैधानिक कार्रवाई हजीरा पुलिस द्वारा की जा रही है।